जिसने तो मोमू सेठ को उसो ना, इसका मैंने और तो कि मैं बेरा नहीं, लेकिन ये सेठ ना था, इसका नाम जन्नू था और यो सारी अणजन आया रहता। छोटी सी दुकान थी, पट्ठा गाह पता टूट के पड़िया करता, उसने तो मुंडा बोलिया करता, इस दौरे तो कोई नौकर भी ना डटिया करता क्योंकि सारा दिन जन्ना आया रहता, कह उस गए लड़ पड़िया करता, किसी बिक्री होती, नुकसान होते होते सत्यानाश होता गया। एक दिन एक महात्मा आण के सामने खड़ा हो गया और कहने लग्या, जन्नू क्या हालचाल है? तो जन्नू का तो वो एक काम पड़िया टूट के न क्या हालचाल होता, बुरी हालत से। महात्मा कहने लग्या, तेरी बुरी हालत है ना, इसीलिए मैं आया हूँ तेने ठीक करने, चल चल अपना रास्ता पकड़। कहता, भाई मैं अपने रास्ते पे ही चल रहा हूँ और उसी रास्ते पे चलने के कारण मैं तेने समझाना चाहूँ, तूने बता तू क्यों जन्नाया रहे से, मैं जन्नाया ना करूँ तो और क्या करूँ, भूखा मरने लाग रहा हूँ। महात्मा कहने लग्या, तू कर्म ही से कर रहा है, तुम जा बाबा घना ना बोले, मेरे नसीब में ही दुखी होना है। महात्मा कहने लगे, नसीब में खुश होना और दुखी होना ना रहता, हो सके से कोई धनवान आदमी हो पर उसके नसीब में खुशी ना हो, पर जब तू खुश रहने लग जाना और ढंग से बोलने बतलाने लग जा तो तेरा भी नसीब बन जाएगा, और जब मेरी बात मानता हो ना तो दो बात बताना चाहूँ मैं। जन्नू थोड़ा सा सीढ़ा होया, निमला बताओ के बताना चाहो, निमला भाई तना अच्छा बोलना ना आता कोई बात ना, तू मेरे ख्याल एक काम तो कर सके से, तू चुप तो रह सके से, तू बस जन्नाया ना कर, कोई भी बात हो कितना गुस्सा रहा हो बस चुप रहा कर। ठीक से महाराज मैं चुप रह जाऊंगा, बोलियाँ तो मैंने कौन सा कमा लिया, चुप रह की भी देख लूँगा। फिर वह बात तू लाग रहा था ना बोलन, मैंने ये बताया है तेरे ताई, कोई कम में कह दे कितना एक गलत बोल दे कुछ कर दे तू चुप रहा कर, बस यो ये बतेरा। ठीक है महाराज। और दूसरा मुस्कान, चुप रहना और मुस्कान, बस ये दो चीज़ सीख ले तेन और घनी जरूरत को ना। अरे तो जन्नू का इतनी ज़्यादा समझदारी आई, कोई कम में कह दो बहुत महंगे लाओ से, तेरा नाश जागा, तेरा फलान धकड़ सब कम लूट लिया तने, पर जन्नू चुप रहा करता और जब ग्राहक चलन लग गया ना तो मुस्करा भी दिया करता, और देखते ही देखते जन्नू जन्ना लाल हो गया, अरे तो मोमू सेठ का नाम चल रहा। ये जिंदगी का सच है, जब घना गुस्सा आ रहा हो ना सब तो बढ़िया बात यह है कि उस गुस्से न पी जाओ और बस उस टाइम चुप हो जाओ, थोड़ी देर पाछे तो आप पर समझदार हो जाओगे। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, उस दौरान जो भी कुछ बोलोगे ना वो गलत तो निकलेगा। और मुस्कान, मुस्कान का तो जिक्र किए, क्या है कहानी, मुस्का दियो कितना ज़्यादा गुस्से मारे हो कोई कुछ हो, मुस्कुराहट का बदला मुस्कुराहट से ही मिलता है। जीवन की ये दो सूत्र हैं, चुप रहना और मुस्कुराना, इनका राज जो जान गया वो जीवन में सफल हो गया।